सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Yesterday we discussed about parts of speech and noun and its kinds. Today our topic is personal pronoun. We have already done everything about pronoun. Now today we are going to start its kinds. The first one is personal pronoun. Personal pronoun ke sansindhi mein ज़मीर खास चौना है। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन क्या है उसको आज हम पढ़ेंगे। सच ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ पर्सन। ऐसा ज़मीर जो किसी भी शख्स का, किसी भी पर्सन का नेम हो उसकी जगह पे इस्तेमाल हो। इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ पर्सन, ऐसा जमीर का टाइप, जमीर प्रोनाउन का टाइप, प्रोनाउन का किस्म जो पर्सन के नेम की जगह पे इस्तेमाल हो, किसी भी पर्सन का नेम हो उसको रिप्लेस करे, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। बट It can be used instead of name of an animal or an object. कोई भी एनिमल हो, ऑब्जेक्ट हो, उसके नेम की जगह पे भी इस्तेमाल होता है। वो कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है जो हम एनिमल या ऑब्जेक्ट की नेम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं? वो है इट। ये जो इट है ये हम एनिमल या ऑब्जेक्ट के नेम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ एग्जांपल्स आर वी, यू, दे, ही, शी, इट। दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस। देयर आर three categories of these personal pronouns. What are categories? The first one is first personal pronoun. In Sindhi mein samjhunda se zameer mutakallim, baat karne wala, urdu mein keh sakte hain, jo speaker ho, singular ek hoga, jaise ki main hu to main use karunga apne liye I. agar mere saath कोई और भी हो, वो भी लेक्चर दे, वो भी बात करे, वो भी स्पीकर हो, तो फिर हम यूज करेंगे वी। दीज टू आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ द सेकंड पर्सनल प्रोनाउंस, इन सिंधी वी कैन से जमीर हाजिर। उर्दू में हम कह सकते हैं जो भी हाजिर हो। ये क्या होता है सेकंड पर्सनल प्रोनाउन? कौन सा होता है? लिसनर, जो स्पीकर को सुने, जो हाजिर हो। यू मींस जैसे कि यहां पे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, वो सुनते हैं, तो वो होते हैं लिसनर। यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों में ये होता है सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड कैटेगरी है थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये कौन से होते हैं? अबाउट वी आर टॉकिंग, अबाउट वी आर स्पीकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उनको हम कहते हैं ये थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है। वो चार दीज, वो कौन से हैं? दे, ही, शी, इट। सिंधी में ऐसा चंदा से जमीर गायब, जे जे बारे में ऐसा गाल आया हूं, दे मना कुए, ही मना हु, शी मना हुआ, इट मना यो। देखो इट है, जो ये इट है ये एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, दिस इज योर पर्सनल प्रोनाउन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की केसेस होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
today we are going to learn demonstrative pronoun सिंधी में असां हिनखे ज़मीर इशारो चवंदा आहियूं ज़मीर इशारो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन छा खे चवंदा आहियूं लेट्स स्टार्ट सच प्रोनाउन्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एनीथिंग अहिड़ा प्रोनाउन जेके कंहिं बि शइ खे इशारो करण लाइ इस्तेमाल थींदा आहिनि ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दीज एंड दोज दीज फोर आर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज प्रोनाउन्स इन प्रोनाउन्स का यूज क्या है उसको देखेंगे फर्स्ट यूज ऑफ दिस वेयर एंड हाउ कैन वी यूज दिस लेट्स स्टार्ट दिस को कैसे इस्तेमाल करते हैं कहां पे इस्तेमाल करते हैं दिस इज यूज्ड फॉर अ थिंग दैट इज क्लोज्ड एंड सिंगुलर दिस इस्तेमाल होता है कोई भी सिंगुलर चीज हो अकेली चीज हो और हमारे क्लोज हो हमारे करीब हो तो हम उसके लिए दिस इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज पेन अगर मेरे पास मोबाइल हो तो मैं क्या कहूंगा दिस इज अ मोबाइल दिस इज माय पेन सो जो भी अकेली चीज हो सिंगुलर थिंग हो क्लोज हो तो उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट दैट इज यूज फॉर अ थिंग दैट इज फॉर एंड सिंगुलर दैट इस्तेमाल होता है कोई भी सिंगुलर चीज हो और हमसे दूर हो तो उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज दूर हो जैसे कि दैट इज माय कार दैट इज अ ट्री दैट इज अ बस कोई भी चीज हम से दूर हो तो फिर हम यूज करते हैं दैट ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट है दिस मींस कोई क्लोज चीज हो उसके लिए सिंगुलर हो और दैट कोई दूर चीज हो और सिंगुलर हो उसके लिए दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दीज दीज का क्या इस्तेमाल है दीज इज यूज फॉर थिंग्स दैट आर क्लोज एंड प्लूरल दीज आर यूज्ड फॉर दोस थिंग्स व्हिच आर क्लोज एंड इन प्लूरल फॉर्म ऐसी चीजों के लिए दिस दीज इस्तेमाल होता है जो चीजें हमारे करीब हों और जमा हो तो उसके लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं दीज जैसे कि मेरे पास अगर दो पेन्स हो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दीज आर माय पेन्स दीज आर टू पेन्स इफ मेरे पास अगर दो मोबाइल्स हैं तो मैं क्या कहूंगा दीज आर टू मोबाइल्स दीज आर माय मोबाइल्स मींस अकेली चीज है करीब है तो दिस जमा है तो दीज और यही अकेली चीज दूर है तो देट और यही जमा चीजें दूर है तो क्या यूज करेंगे दोस ओके मींस दोस इज यूज फॉर थिंग्स देट आर फार फ्रॉम अस एंड इन प्लूरल फॉर्म दोस इस्तेमाल होता है जब चीजें हमसे दूर हो जमा हो तो उनके लिए हम दोस इस्तेमाल करते हैं Simply, this is used for singular thing and it should be close to us. It should be near to us. And that is used for anything which is far from us and it should be singular. And these is used for things that are close and in plural form. Those is used for things that are far from us and in plural form. Okay? We are going to start possessive pronoun. Yesterday we discussed all types of pronoun. Today the type of pronoun is possessive pronoun. What is possessive pronoun? Let's start. Such pronouns
which are used to show possession or ownership of noun or pronoun. Possessive pronoun जो है वो possession or ownership दिखाता है noun या pronoun की. Okay, possessive pronoun माल की दिखाई इसम या जमीर की, इसम या बे जमीर की, खुद भी जमीर पर बे जमीर की भी सो पोजीशन ओनरशिप दिखाई केड़ा आइन पोजेसिव प्रोनाउंस माय अस यूअर्स देयर्स एंड हर्स हिज दीज ऑल आर पोजेसिव प्रोनाउंस समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माय है देयर और यूअर हिज ये जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है माय देयर और यूअर हिज दीज आर नॉट पॉजिटिव प्रोनाउन ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है ये पॉजिटिव प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है पॉजिटिव प्रोनाउन ना है नहीं ये ये क्या है दीज ऑल आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं पॉजिटिव प्रोनाउन जो है माइन अस योर्स देयर्स हर्स एंड हिज ओके यूज क्या है इनका देखते हैं फॉर एग्जांपल दिस पेन इज माइन दिस पेन इज माइन Here mine is possessive pronoun. It is showing here possession, ownership. The next one is these mobiles are theirs. These mobiles are theirs. ये जो है theirs ये यहाँ पे possessive pronoun है. और us ये we का possessive pronoun है. His जो है he का possessive pronoun है. That car is his. ये वो कार उसकी है. Next one, these rooms are yours. ये कमरे आपके हैं. यहाँ पे yours जो है possessive pronoun है. इनका जो possessive adjective जो है, जैसे कि my, their, or your, and his, and also its. ये जो इट्स है ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव प्रोनाउन तौर में तौर पे ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होती पॉजिटिव एडजेक्टिव तौर पे ये इस्तेमाल होती है जैसा कि दिस इज माय पेन पेन इज नाउन हियर माय इज एडजेक्टिव माय इज एडजेक्टिव कौन सी एडजेक्टिव है पॉजिटिव एडजेक्टिव लाइक दिस दीज आर देयर मोबाइल्स मोबाइल नाउन है और ये जो देयर है ये एडजेक्टिव है इसी तरह इस जुमले में इस सेंटेंस में दोज आर ours और cars यहां पे आर जो है ये एडजेक्टिव है इसी तरह दीज आर योर रूम्स दैट इज हिज कार इसी तरह जो इट्स है ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये सारे जो भी है प्रोनाउन नहीं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है बाकी रेस्ट जो भी है बकाया माइन अस योर्स देयर्स हर्स एंड हिज ये पॉजिटिव प्रोनाउन है और इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता पॉजिटिव एडजेक्टिव तौर पे इस्तेमाल होता है थैंक यू